नक्शे के सरकारी जमीन पर कब्जा कर किया गया था निर्माण। एसडीएम सुरभि शर्मा ने विकास प्राधिकरण और नगर पालिका की टीम के साथ पहुंचकर ध्वस्त कराया अवैध निर्माण। ध्वस्तीकरण के समय सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर कोतवाल सहित कई चौकियों की पुलिस फोर्स रही मौजूद। गलत तरीके से किए गए निर्माण कार्यों पर विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार की जाएगी कार्यवाही, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा। मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत केवटरा चौराहे का है। ये शॉट बढ़िया निकले हैं, जुमाई करके कर रहे हैं। ये बाधा विकास प्राधिकरण द्वारा इनका नक्शा नहीं स्वीकृत था, इनके ध्वस्तीकरण का आदेश बाधा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किया गया था। इन्होंने माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ अपील किया था, अपील में स्टे हो गया था, तो उसकी सुनवाई करके माननीय आयुक्त महोदय ने आदेश पारित किया कि इसको ध्वस्तीकरण किया जाए, उसी के क्रम में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। क्या सर, आसपास की जगह हटाया जाएगा? ये जिस जगह ध्वस्तीकरण हो रहा है वहीं से होकर एक चकमार्ग जाता है, उसकी पैमाइश कराई जाएगी और जो जो भी उस चकमार्ग में आएंगे सबका ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ये सर कब तक चलता रहेगा? ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। अपडेट मीडिया के लिए बांदा से सुनील यादव की रिपोर्ट।